शांत हो जाना। अभ्यासी जब बहुत समय तक इस मंत्र का जाप करता है तो उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अंतःकरण में जो आकाश है, जैसे पहले तो भूताकाश फिर चित्ताकाश, पहले ये मंत्र इस आकाश में लिखा हुआ दिखाई देता है। साधक को ऐसा लगता है कि मैं अपने सामने ऊपर की ओर आकाश में तेज प्रकाश के रूप में ओम लिखा हुआ देख रहा हूँ और उस ओम से प्रकाश किरणें निकल रही हैं जो उसके ऊपर पड़ रही हैं या उसकी ओर आ रहा है प्रकाश ओम के द्वारा। जब धीरे धीरे ये मंत्र और शुद्ध होता है तो आकाश बहुत ही निर्मल दिखाई देता है। ओम का आकार संपूर्ण आकाश में, ओम का जो स्वरूप है यानी लिखा हुआ जो दिखाई देता है उसका स्वरूप बहुत ही चौड़ा होता है। दृष्टि एक बार में उसे नहीं देख पाती है, इसलिए दृष्टि को इधर उधर घुमाना पड़ता है। मैंने ये थोड़ी सी पहचान बताई। नए साधकों को ये ओम मंत्र जब उसकी साधना कंठ चक्र पर चलती है तब दिखाई देती है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कंठ चक्र में आकाश तत्व अधिक क्रियाशील रहता है। इस मंत्र के विषय में अभी फिलहाल यहीं तक। अब शक्ति मंत्र का जाप करेंगे। सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। भगवान शंकर के पास माता पार्वती के रूप में, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी के रूप में, भगवान ब्रह्मा के साथ गायत्री और सरस्वती जी के रूप में, माता गायत्री और माता सरस्वती के रूप में विद्यमान। मूल रूप से ये सभी देवियाँ एक ही शक्ति का स्वरूप हैं। ये तीनों देवता इन्हीं शक्ति से शक्तिमान हुए हैं। ये तीनों देवता इस सारे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इनकी उत्पत्ति पराप्रकृति से हुई है, इसीलिए इस ब्रह्मांड के नायक यही है। मनुष्य हर एक प्राणी के शरीर में वो शक्ति मूलाधार में कुंडलाकार रूप में विद्यमान रहती है। हम उसी शक्ति को यहाँ पर याद करेंगे। वैसे उसका स्वरूप साधक को भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है अभ्यास के समय, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही स्वरूप का मैं वर्णन करना चाहूँगा दो शब्दों में। मैं इस शक्ति का दो शब्दों में यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा। जब साधक की कुंडलनी ऊर्ध्व होती है, ऊर्ध्व करके कंठ चक्र से ऊपर जाती है, तो ये शक्ति निश्चय ही बहुत ही सुंदर रूप में दिखाई देती है। उसे लगता है कि इससे सुंदर और कोई स्वरूप ही नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने
इस शक्ति को यानी माता कुंडलिनी के स्वरूप को इस तरह से लिखा हुआ है कि उनसे अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है, मेरी समझ में तो शायद कोई भी नहीं। क्योंकि जो हम किताबें हम जो हमें किताबें मिली हुई हैं पढ़ने के लिए अपने पूर्व काल के सिद्ध पुरुषों की, तो उनमें से सबसे अच्छी हमें उनकी स्तुति लगी जो उनके द्वारा लिखी गई है माता कुंडलिनी के विषय में, कि उन्होंने त्रिपुर सुंदरी कह करके उनका वर्णन विशेष रूप से किया हुआ है, जैसे कालिदास ने माता पार्वती का स्वरूप का वर्णन किया होगा किसी अपने लेख में। हमारा कहने का मतलब, ये शक्ति हमारी माँ है। सत्य तो ये है, माँ ही अपने पुत्र को पिता से मिलवा सकती है, क्योंकि माँ ही बताती है तुम्हारे पिता ये हैं। उसी में सामर्थ होती है कि वो पिता से मिलवा दें। इसी तरह ये जो हमारी माँ है, ये हमारे परम पिता यानी जिसे ईश्वर कहते हैं, भक्त लोग नारायण के रूप में, योगी पुरुष परम शिव के रूप में दिखाते हैं, या वो सगुण ब्रह्म इसी रूप में दिखाई देता है। स्वरूप एक ही होता है, अपने अपने भावों के अनुसार वो निर्गुण ब्रह्म उसी रूप में दिखाई देता है। ये जो सहस्रार चक्र है, वहाँ पर वैसे तो निर्गुण ब्रह्म का स्थान है, लेकिन सहस्रार चक्र जब विकसित होता है तो वहाँ शिव और शक्ति, शिव का मतलब परम शिव, ये शंकर नहीं, रुद्र नहीं, माता पार्वती के साथ जो हैं वो नहीं, वहाँ पर वो परम शिव आदि शक्ति के साथ विद्यमान दिखाई देते हैं। साधक मोक्ष के नज़दीक होता है और स्वयं उस ईश्वर का दर्शन करता है। थोड़ा मैंने बताया इस शक्ति के स्वरूप, उस शक्ति को अब हम 5 मिनट याद करेंगे मंत्र के रूप में। मंत्र एक बार मैं पहले बोल रहा हूँ तो उसे, उस शक्ति को आप स्त्री स्वरूप में आप देखने का प्रयास करिए, उसके स्वरूप को बनाइए और देखने का प्रयास करें कि वो निर्मल स्वच्छ आकाश में खड़ी हुई है, सारे आकाश में पूरा यानी उसका शरीर इतना बड़ा है कि सारे आकाश में खड़ी हुई है, एक हाथ में अमृत कलश लिए हुए है, दूसरा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठा हुआ है, तीनों नेत्र खुले हुए हैं, वो आपकी ओर देख रही है। उससे प्रार्थना करें, हे माता कुंडलिनी शक्ति, आप हमारे शरीर में जो आपका स्वरूप विद्यमान है, कृपया उस स्वरूप से आप जागृत हो जाएं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। एक बार यानी एक मंत्र मैं बोलकर सुनाता हूँ, फिर आप सभी 5 मिनट तक वो मंत्र बोलेंगे। शिव शक्ति दोबारा फिर ओम शिव शक्ति इसी तरह सभी साधकगण मंत्र बोलेंगे। हाँ, आप हमारे साथ मंत्र बोलिए। शिव शक्ति Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.
Thank you.